हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ से। तो आज हम बात करेंगे साइंस के टॉपिक एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होती हैं? सो गाइस, आप जानते हैं हमारे अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लैक बोर्ड, मार्कर और वॉल्स, वुड, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें किन की बनी होती हैं? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो वॉल होती है, जो हमारी बिल्डिंग होती है, वो किससे बने? सबसे स्मॉल यूनिट एक ब्रिक की बनी होती है, ईंटों की, है ना। ईंट क्या है? उस बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे ही हमारी साइंस में एटम्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? मटीरियल की सबसे छोटी से छोटी यूनिट, जिससे मटीरियल बने होते हैं, एलिमेंट्स बने होते हैं। तो एटम्स बेसिकली है क्या? एटम्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो हमारे एटम्स होते हैं, बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स हमारे, हमको मालूम है, हमारे नेचर में 118 से एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो उन वो एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे एटम्स के बने। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इजी से। हमारे पास एक ब्लॉक है आयरन का और हमारे पास एक कॉपर का ब्लॉक है। मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, 1 kg का है, 1 kg का, ये भी 1 kg का है। और हम देखेंगे इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे। इसका हम एक एटम ले लेते हैं आयरन का, हम एक यहाँ से एक एटम ले लेते हैं कॉपर का। तो ये जो सभी एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के, ये वाले एटम्स आयरन के एटम आयरन के बाकी एटम्स से आइडेंटिकल होंगे, बट वो कॉपर के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे आयरन के एटम है, यानी कि ये अपनी एलिमेंट के जो बाकी एटम्स होंगे उससे तो आइडेंटिकल होंगे, उस दूसरी से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जो बेसिक से हम क्या कहते हैं कि एटम्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बना देते हैं। सो गाइस, ये थी बेसिक सी इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एटम्स की स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।